हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज़ योर मेंटर रोहित जंगर। तो आज हम लोग एक नई सीरीज टाइप की ला रहे हैं क्वेश्चंस बेटा। इसमें होगा ये कि सारे जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, लाइक एनटीएससी, ओलम्पियाड्स एंड जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए मैं आपको टॉपिक वाइज कंटेंट डालते जाऊँगा। 2020 MCQs का बंच होगा और मैं एक आपको प्रॉपर टाइम भी दूंगा और बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वॉल्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव। ह्यूमन हार्ट में कितनी वॉल्स होती हैं? सो आंसर इज़ 4। एज यू ऑल नो, चार चैम्बर्स हैं और यू कैन सी देयर चारों चैम्बर में चार वॉल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन प्रोड्यूसेस इंसुलिन रेगुलेट्स द ग्लूकोज इन द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कौन सा पार्ट बॉडी का इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है या रेगुलेट करता है। तो इट्स पैनक्रियास। ओके, एक्चुअल में क्या होता है, ग्लूकोज का पता ही आपको सब, इंसुलिन ग्लूकोज को रेगुलेट करता है ना। शुगर के जितने कंपोनेंट्स हैं सब यही करता है ना। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन सेल बॉडी कंटेन 70% ऑफ सेंसर्स। आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट 70% सेंसर्स को लेके आता है, मतलब सारी सेंसिंग ऑर्गन्स हैं। आप एक अंदाज़ा मारिए, क्योंकि मेरे बोलने से पहले आप इमेजिनेशन करिए कि आपका क्या प्रेडिक्शन है। सो इससे क्या होगा कि आप भी समझ सकते हैं और मज़ा भी आएगा आपको करने में। सो योर आंसर इज, प्रैक्टिकली सोचिए, टंग होनी चाहिए, ईयर या नोज, सोचिए कौन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इधर। तो इट्स आइस। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। नाउ टॉक्सिन्स आर एलिमिनेटेड थ्रू द ह्यूमन स्किन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। बॉडी में से जो वेस्ट होता है, जो टॉक्सिसिटी होती है, वो किसके थ्रू निकलती है? मॉल्टिंग के थ्रू, वेंटिलेटिंग के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, नमक और नन ऑफ दिस। आपने सुना होगा बचपन से बोला जाता है कि हाँ पसीना निकलता है, मतलब गंदगी निकलती है, तो इट्स स्वेटिंग। ओके, वो इसीलिए बोला जाता था। द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट कॉजेज द डिजीज गोइटर। गोइटर सुना होगा, बहुत पॉपुलर डिजीज़ है। गोइटर से ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे नाम में ही आ गया, GOIO, आई से याद रखिए आप, आयोडीन। ओके, इट्स आयोडीन। नाउ एनीमिया इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट इन द ब्लड। एनीमिया किसकी वजह से होता है सर? देखिए, एनीमिया इज अ डिजीज ऑफ ब्लड। ठीक है, इट्स अ डिजीज ऑफ ब्लड। और ब्लड मतलब वॉट? RBC, WBC, प्लाज्मा, दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, बट यहाँ पे है हेमोग्लोबिन इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ लैक ऑफ विच पिगमेंट कॉजेज द एल्बिनिज इन द पीपल। आप देख सकते हैं, बीमारी देखी होगी आपने, जो स्किन का कलर होता है, बालों का कलर लगभग सेम हो जाता है, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं। तो इट इज़ ड्यू टू द मेलानिन। ठीक है, मेलानिन की वजह से होता है ऐसा। What is the name of the parasite that is found to live in the head of the human? आपके बालों में कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो एनिमल है, जो पैरासाइट है, जो आपका खून चूसता है, आप सबको पता है, जू होती है, और जू को इंग्लिश में लॉस कहते हैं। ठीक, तो जू है आंसर ना। ओके, तो सम द ऑप्शंस आर नॉट सीइंग विजिबल, तो आप समझ जाइए कि आंसर जू है, होता तो मैं दिखा देता। What is the normal body temperature for the human body? 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट। नाउ 36 तो नहीं है, 37 डिग्री सेल्सियस सही है और 98.7 भी सही है। इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट आवर बॉडी टेम्परेचर इज 98.6, सो आंसर इज बी एंड सी, बोथ आर करेक्ट। नाउ व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एंजिना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंजिना क्या होता है? एंजिना हार्ट अटैक को कहते हैं बेटा, है ना। विच डिजीज अफेक्ट्स द ह्यूमन आई। इनमें से कौन सी बॉडी, कौन सी डिजीज़ ह्यूमन आई को अफेक्ट करती है? रिकेट्स, बेरी बेरी, कैटरेक्ट, प्लूरेसी। तो इट्स कैटरेक्ट, आँखों का एक पार्ट है। ठीक है, और वहीं पे मोतियाबिंद सुना होगा आपने, मोतियाबिंद को ही कैटरेक्ट कहते हैं, तो वो इसी वजह से होता है बेटा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दिस अफेक्ट्स द ह्यूमन लंग्स। इनमें से कौन सा हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है? देख सकते हैं आप, हेल्दी लंग है और वो इन्फेक्टेड लंग्स हैं, सिलिकोसिस, प्लूरेसी एंड ब्रॉन्चिट्स एंड ऑल ऑफ दिस। अगर आपको पता हो तो ब्रॉन्चिट्स पार्ट ऑफ लंग्स, लंग्स से रिलेटेड है। सिलिकोसिस बहुत पॉपुलर है, कभी कभी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि सिलिकोसिस किससे रिलेटेड है, तो ये सारी की सारी ही लंग्स से रिलेटेड है। नाउ व्हाट इज़ द मेडिकल नेम ऑफ द डिजीज विच इज़ कैरेक्टराइज बाय द सीजर्स। ठीक है, कौन सी डिजीज़ है जिसको हम सीजर्स भी कहते हैं, है ना, और सीजर्स की नीड पड़ती है उसमें, उसका केमिकल नेम ही यही है। तो
एपिलेप्सी। तो इट्स एपिलेप्सी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। यहाँ पे जो ब्रेन होता है वो एबनॉर्मली काम करता है, प्रॉपरली काम नहीं करता है। विटिलिगो इज़ अ डिजीज अफेक्ट्स विच ऑफ दिस, ठीक है। विटिलिगो किसको अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे विटिलिगो जो इफेक्ट करता है स्किन को। ओके नाउ अ डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज अ कैंसर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। आप कुछ सोचिए, बच्चों के डॉक्टर को पेडियाट्रिक कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट जो नेफ्रोन का डॉक्टर होता है, न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरो से काम करता है, नेफ्रो मतलब नेफ्रोन किसमें किडनी में होती है तो किडनी का डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट इट्स अ डॉक्टर ऑफ कैंसर। व्हाट इज़ द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट, इट्स 70, सबको पता है। बाइल विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट डाइजेशन इज सीक्रेटेड इन दी, बाइल कौन सीक्रेट करता है, ऑब्वियसली लीवर, बाइल डक्ट में रिलीज करता है, वेरी गुड। नाउ स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय विच ऑफ दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, आपको ध्यान रखनी है, स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होती है, तो इट्स H1N1 फ्लू, स्वाइन फ्लू इज H1N1 फ्लू। ओके और एक और होता है इन्फ्लुएंजा, इसमें H3N2, तो ध्यान रखिएगा अगर H1N1 नहीं हो तो H3N2 भी होगा तो भी चलेगा। हाँ, कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, स्ट्रेस जो होता है वो वहाँ पे किडनी के ऊपर एक होता है ग्लैंड जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वो कवर करता है सब चीज़ों को, कंट्रोल करता है, तो इस एड्रिनल ग्लैंड। नाउ विच ऑफ डिजीज अफेक्ट्स द ह्यूमन माइंड, इनमें से कौन सी डिजीज़ ह्यूमन माइंड को अफेक्ट करती है। आपने देखा होगा सिंचन आता है, बहुत ही मतलब ये मान लीजिए सिंचन बहुत दिमाग वाला है, तो देखिए तो सिजोफ्रेनिया, ठीक है, सिजोफ्रेनिया बोल सकते हैं आप इसको, तो मैंने तो सिंचन से याद कर रखा है, देखिए आप सिंचन लिखा हुआ है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ऐसे ही मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की टॉपिक्स की भी लाता रहूँगा वीडियोस, मतलब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।